Hey guys, welcome back to my channel. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ Flipkart कुर्तीज का हॉल शेयर करने जा रही हूँ, रिव्यू करने जा रही हूँ. Because आज जो मैं आपके साथ कुर्तीज का रिव्यू करने जा रही हूँ, ये मैंने मेरी पसंद से परचेज नहीं किए हैं. मुझे एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मेल किया था और इन कुर्तीज के लिंक मुझे सेंड किए थे और उन्हें देखने थे कि मैम प्लीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था उन्होंने मुझे कि मैम प्लीज़ इन कुर्तीज़ को आप एक बार परचेज करके मुझे रिव्यू बताइए, मुझे देखना है कि कुर्तीज़ कैसी आई है रियल में. सो इसलिए मैंने इन कुर्तीज़ को ऑर्डर किया है. इन टोटल 5 कुर्तीज है, उनका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में कि ये कुर्तीज़ वर्थ बाइंग है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसे भी हिट करना मत भूलिएगा, वरना मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेंगी. सो हिट दैट बेल बटन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो फर्स्ट कुर्ती है ये है फ्रॉम ब्रांड कनिष्का और साइज मीडियम में है. और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इन सब की जो कुर्तीज की प्राइस है मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊँगी, सो आप चेक कर लीजिएगा. सो ये फर्स्ट कुर्ती है इस तरह की वाइट कलर में और इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है थ्रेड की. सो इस तरह का राउंड नेक है और ये एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. फ्रंट पर जो दी गई है फुल प्लेन वाइट है, ये स्लीवलेस है और इसमें अलग से इन्होंने स्लीव भी प्रोवाइड नहीं किए हैं हमें. और इस तरह की ए लाइन कुर्ती है, ये पीछे से फ्लेयर काफ़ी अच्छा है इसका, पीछे से भी फुल प्लेन है, ये काफ लेंथ तक की है. साइज मीडियम मैंने ऑर्डर किया. इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट यस, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, सो आपको इसमें अंदर इनर पहनना पड़ेगा ये कुर्ती वेयर करते वक्त. सो ये है फर्स्ट कुर्ती, ये मुझे अच्छी लगी. अब जो सेकंड कुर्ती है ये है फ्रॉम ब्रांड जिया और इसकी MRP यहाँ एक्चुअली मेंशन नहीं की गई है, बट आई थिंक ये अंडर 600 ही है. इस तरह की नेवी ब्लू कलर में है, ये राउंड नेक फॉली क्रेप है इसका फैब्रिक कुर्ती का. फ्रंट में आप देख सकते हैं इस तरह का गोल्डन ये फॉइल प्रिंट की डिज़ाइन मिल रही है. शॉर्ट स्लीव्स है इसकी और फुल कुर्ते पे इस तरह की गोल्डन फॉइल ये प्रिंट है. नीचे बॉर्डर पर कुछ इस तरह से काफ लेंथ है और बैक साइड ये फुल प्लेन है. सो इसका भी कलर मुझे अच्छा लगा, फैब्रिक भी अच्छा है ये. ये तो रही सेकेंड. अब जो थर्ड कुर्ती है और ये इस तरह की एक्चुअली प्रिंटेड कुर्ती है, कॉटन है इसका फैब्रिक, प्योर कॉटन है. फ्रंट में कुछ इस तरह की है ये कुर्ती, कॉलर नेक है इसका आगे जैसे वी में और फिर बटन्स है आगे पिंक कलर में, रानी पिंक कलर में. और फिर फ्रंट में ये इस तरह से डिज़ाइन मिल रही है, पैटर्न मिल रहा है. ये ओपन नहीं है एक्चुअली, स्टिच्ड ही है बट ये आगे से सब कट दिया गया है इसी डिज़ाइन में. ए लाइन कुर्ती है ये, नीचे इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है और क्रीम एंड देन ग्रे ब्लैक कलर की ऐसी प्रिंट मिल रही है. और इसकी जो स्लीव्स है ये 3/4 नहीं है, कुछ इस तरह की स्लीव्स है एल्बो तक और फिर पिंक कलर का बॉर्डर दिया गया है. फिर देन बैक में ये अगेन वही आपको प्रिंट मिल रहा है. सो ये इसका फैब्रिक मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक कॉटन है और डिज़ाइन भी ठीक है, लाइक ओके है ये कुर्ती मेरे लिए. सो ये तो रही थर्ड. अब जो फोर्थ कुर्ती है ये इस तरह की अनारकली स्टाइल में है, ग्रे कलर में, और इसका जो प्रिंट है ये थोड़ा बांधनी टाइप में है प्रिंट, बट ब्लैक कलर में है, ब्लैक एंड वाइट. फ्रंट में चोली के पोर्शन में राउंड नेक और फिर स्लीवलेस है ये. इसके साथ हमें अलग से स्लीव्स शायद यस दी गई है, तो इसमें अलग से स्लीव्स इन्होंने प्रोवाइड की है, तो आप स्टिच करा सकते हैं इस तरह की ब्लैक कलर. शॉर्ट स्लीव्स रहेगी इसकी, अलग से स्लीव्स है. देन चोली का पार्ट में दिखा दिया प्लेन इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर नीचे की तरफ ग्रे कलर की प्रिंट है कुछ इस तरह का बॉर्डर. इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, अनारकली स्टाइल में है और ये पीछे की साइड इस तरह की डोरी भी इन्होंने दी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगेन ये इसका साइज मीडियम है जो मैंने ऑर्डर किया है. सो दिस इज़ द फोर्थ कुर्ती. और हाँ, इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो है कॉटन, प्योर कॉटन है ये और काफ़ी लाइक इसका फैब्रिक काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है इसका फैब्रिक. अब जो लास्ट कुर्ती है फिफ्थ कुर्ती, ये इस तरह की है, इसका फैब्रिक कॉटन है और कुछ इस तरह की प्रिंट बनी हुई है ब्लैक एंड वाइट में. इसका इस तरह का कॉलर आपको मिल जाएगा आगे, ये डिटेल ऐसे पिंक कलर में मिल रही है. देन 3/4 स्लीव्स है बॉर्डर पर, स्लीव्स के बॉर्डर पर इस तरह की प्रिंट है डिज़ाइन दोनों तरफ.
देन इट्स अ सिंपल स्ट्रेट कुर्ती और बॉर्डर की तरफ भी आपको इस तरह का नीचे प्रिंट मिल रहा है क्रीम कलर में और ये वाइट कलर की पाइपिंग दी गई है पीछे भी इस तरह से है ये तो इसका फैब्रिक कॉटन है अगेन इसका भी फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है बहुत सॉफ्ट है वॉश करने के बाद और हाँ ये ट्रांसपेरेंट नहीं है सो इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है सो ये भी अंडर आई थिंक 600 रुपीज़ है तो ये रही लास्ट कुर्ती ये भी मुझे ओके लगी कुर्ती सो इन सारी कुर्तीज़ की बात की जाए तो मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड कुर्ती अच्छी लगी है वो वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी प्रिटी लगेंगी बट बाकी की कुर्तीज़ ओके ओके हैं मेरे लिए बट मुझे इसका रिव्यू करना था बिकॉज किसी को देखना था इसीलिए मैंने इन कुर्तीज़ को मंगवाया है सो अभी देख लेते हैं एक बार कि ये कुर्तीज़ वेयर करके कैसी लग रही है देखे लिया इन कुर्तीज़ को एंड आई होप आपको इन सारी कुर्तीज़ में से कोई कुर्ती तो अच्छी लगी ही होगी और अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती अच्छी लग रही है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं मैं मोस्टली आपको रेकमेंड करूँगी जो फर्स्ट टू कुर्तीज़ मैंने बताई थी उनमें से कोई परचेज करें आप बिकॉज वो दो ज़्यादा अच्छी लग रही है बाकी की ठीक है लाइक ओके ओके है बट आगे आपकी विश और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियंस कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पर टिल देन टेक केयर गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय